ये तस्वीरें हैं बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के रोड शो की। कन्हैया का विरोध कुछ युवकों पर बहुत भारी पड़ गया। दरअसल सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को रोड शो के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कन्हैया कुमार को कुछ युवकों ने काला झंडा दिखाया, लेकिन इस दौरान कन्हैया कुमार के समर्थकों ने विरोध कर रहे ग्रामीणों को खूब दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने पहले कन्हैया कुमार को काले झंडे दिखाए और देशद्रोही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी। फिर क्या था, तेल लेने गई सहिष्णुता, तेल लेने गई अभिव्यक्ति की आजादी, तेल लेने चली गई विरोधियों को मुस्कुराकर स्वीकार करने वाली राजनीति। जी, कन्हैया के समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं, जिसका गवाह ये घायल शख्स है। हम लोग सिर्फ ये लगा रहे थे देशद्रोही, वापस जाओ, किस मुद्दा पर आप लड़ रहे हैं इलेक्शन। उसके अगेंस्ट में कन्हैया सीधे बोला कि सबको मारो, जो काला झंडा लिए हुए है सबको मारो। बस पहले आया, बोला कि साइड चलिए साइड चलिए, साइड में साइड हुए, बस पंचायत हुआ के एक बैग मारने लगा। हम घर से निकले, उसके बाद वहाँ बिपिन सिंह और क्या कहते हैं जयप्रकाश आगे आगे बढ़ते आ रहा था। वो बोल रहा था कि मोटरसाइकिल वाले आगे निकलो, आगे वो क्या कहते काला झंडा दिखा रहा है उसको, चलो मारेंगे उसको, मारेंगे ये कहते हुए आगे बढ़ा। तो हम वहाँ से साइकिल लिए, चले, बोले भाई क्या हुआ नहीं हुआ आगे देखते हैं। पूरा डोंग लेके कन्हैया अपने वो क्या कहते गाड़ी के ऊपर में बैठ गया और बोला डंडा लगाओ सबको, मारो मारो, जितना मारना है मारो, हम देख ले। उसके बाद हम लोग आए छुड़ाने के क्रम में, देखिए ये सब, ये हाथ घायल हो गया है, छुड़ाए छुड़वे ले गया। जब कन्हैया बोल रहा था कि मारो सबको, और जनता क्या बोला। युवकों ने घर में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया के समर्थक वहां भी पहुंच गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि काला झंडा दिखाने के बाद कन्हैया के समर्थकों ने युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, घरों में घुस घुस कर मारा। दरअसल जनसंपर्क अभियान के तहत कन्हैया कुमार कोराय गांव से काफिले के साथ जा रहे थे। इस दौरान आधा दर्जन की संख्या में युवक काला झंडा दिखाकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद नोकझोंक बढ़ते गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। अब सवाल तो ये उठता है कि सहिष्णुता की पाठ पढ़ाने वाले कन्हैया कुमार के सामने जब उनके समर्थक तांडव मचा रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो उन्होंने तमाशा देखना ज्यादा बेहतर क्यों समझा। बेगूसराय से